देश भर में तूफान मचा रहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा की परीक्षा पास कर चुका है और अब उसे राज्यसभा में पेश होना है। राज्यसभा में पास होते ही ये बिल देश का कानून बन जाएगा। लोकसभा में सरकार के पक्ष में 311 वोट डले थे और सरकार के विरोध में सिर्फ 80, यानी भारी मार्जिन से सरकार ने वहां ये बिल पास करवाया था। लेकिन राज्यसभा का गणित क्या कहता है, आइए जरा देखते हैं। राज्यसभा का फिलहाल टोटल स्ट्रेंथ है 240, 240 सांसद फिलहाल राज्यसभा में है, 5 सीटें खाली हैं। ऐसी सूरत में जो मैजिक फिगर है वो बनता है 121, यानी एनडीए सरकार के पक्ष में अगर 121 वोट डल जाते हैं तो सरकार इस बिल को पास करवाने में कामयाब हो जाएगी। आइए जरा देखते हैं, हम पार्टी वाइज सेग्रीगेशन करके देखते हैं कि सरकार के पास आसानी से कितने वोट हैं और समीकरण क्या शक्ल लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी, अगर हम एनडीए की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात बीजेपी, बीजेपी के पास है राज्यसभा में 83 एमपीज। अगर उसके साथ हम AIADMK और हम JDU जैसे जो उसके सहयोगी दल हैं उन्हें जोड़ दें तो ये 11 और 6 JDU के सांसद हैं। इसके अलावा छोटी पार्टीज जैसे अकाली दल या फिर और बाकी पार्टियों के भी 8 सांसद एनडीए के पक्ष में सीधा सीधा वोट डालते हुए दिखते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये जो इसके ये फिगर हो जाता है 108, 108 सांसद ये हो जाते हैं। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो एनडीए के साथ सीधे शामिल नहीं हैं एनडीए में, लेकिन वो गाय बकाए सरकार को वो के पक्ष में वोट करती रही हैं, जैसे कि बीजेडी। बीजेडी के 7 सांसद राज्यसभा में हैं और लोकसभा में भी बीजेडी ने सरकार के पक्ष में वोट किया था। जगनमोहन रेड्डी की YSRCP, इसके भी 2 सांसद राज्यसभा में है। अगर इन 9 सांसदों को हम मिला लेते हैं तो ये टोटल फिगर हो जाता है 117, यानी सरकार फिलहाल 4 वोट दूर दिख रही है बहुमत के आंकड़े से। लेकिन यहां राज्यसभा में खेल शुरू होता है नॉमिनेटेड सांसदों का। राज्यसभा में नॉमिनेटेड सांसद हैं 12, जिनमें से 8 जो हैं वो सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में हैं। ये 8 सांसद अगर सरकार के पक्ष में वोट दे देते हैं तो 117 है प्लस 8, सरकार आसानी से 121 के मैजिक फिगर को पार कर जाएगी। अभी यहां पर हम शिवसेना की बात नहीं कर रहे हैं। शिवसेना ने लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन अब शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ शर्तें रखी हैं राज्यसभा में वोट देने को लेकर। शिवसेना के जो हैं वो 3 सांसद हैं, शिवसेना के 3 सांसद हैं। अगर हम उन्हें सरकार के पक्ष में ना भी माने तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आखिरी लम्हों में ये सरकार के साथ आ जाते हैं तो सरकार को 128 वोट मिल जाएंगे और चाहिए 121, यानी आसानी से वो ये बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन राज्यसभा में अलग अलग सिनेरियो क्रिएट होते हैं, कई सरकारों की कई पार्टियों की अपनी वोट बैंक की राजनीति होती है, जिसके चलते वो कई बार आखिरी मोमेंट्स पे आखिरी लम्हों में अपने इरादे बदलते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात करते हैं। जैसा हमने बताया कि जेडीयू के 6 सांसद राज्यसभा में हैं, इसके अलावा AIADMK के 11 सांसद हैं, यानी कि कुल मिलाकर हो जाते हैं 17। अगर अपनी जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसके चलते ये पार्टियां वॉकआउट भी करती हैं तो राज्यसभा में 240 में से इन 17 सांसदों के वॉकआउट के बाद जो मैजिक फिगर है वो हो जाएगा 112, यानी सरकार अगर 112 वोट ले लेती है जेडीयू और AIADMK के वॉकआउट के बाद तो भी वो ये बिल पास करवाने में कामयाब हो जाएगी। आइए बात करते हैं कि UPA यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाला जो गठबंधन है उसके पक्ष में आंकड़े क्या कहते हैं। तो यहां हम UPA की बात करते हैं। UPA के 7 जो दल हैं उनमें कांग्रेस,
कांग्रेस के जो हैं वो लगभग कुल मिलाकर 46 सांसद हैं, और उसके साथ हम डीएमके जैसी दूसरी पार्टियों को मिला देते हैं तो कुल मिलाकर इन ये 16 और सांसद हैं और टोटल इनकी संख्या हो जाती है 62। अब कुछ नॉन यूपीए दलों की बात करते हैं जो सरकार के पक्ष में वोट नहीं देंगे। नॉन यूपीए जैसे टीएमसी, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी या तो वॉकआउट करेंगी या सरकार के पक्ष में वोट नहीं देंगे। नॉन यूपीए का टोटल फिगर है 43, यानी अगर इन दोनों को जोड़ भी दिया जाए तो सरकार के खिलाफ वोट बनते हैं आइडियल सिचुएशन में 105, यानी तब भी 121 के बहुमत के आंकड़े से विपक्ष जो है वो बहुत दूर है। यानी कुल मिलाकर इस बिल का कितना भी विरोध होता रहे नॉर्थ ईस्ट से लेकर देश के तमाम हिस्सों में, लोग इसे मुसलमानों के खिलाफ बताते रहे, हमारे संविधान पर चोट बताते रहे, लेकिन राज्यसभा का गणित साफ कह रहा है कि सरकार ये बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, आसानी से पास करवाने में राज्यसभा में कामयाब हो जाएगी और ये बिल उसके बाद देश का कानून बन जाएगा।